Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant, so welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject statistics. We are at the unit number 1. The name of chapter is collection of data. For the 11th standard English medium, this is lecture number 6. Okay, this is lecture number 6. Name of unit is collection of data. So without wasting any time, let's move. So we were at the methods of collecting primary data. Okay, so we were at the what? Methods of collecting primary data. We had completed direct inquiry method, indirect inquiry method. Now today we are going to see the method. Name of method is questionnaire method. Okay, the name of method is questionnaire method. Okay, so let's see the definition of questionnaire. What is called a questionnaire? देखो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, हम ऐसा कह सकते हैं. इसका नाम क्या है? क्वेश्चन नेर. अब ये नेर को हटा दो, क्या है? क्वेश्चन. सो क्वेश्चन, जब बहुत सारे क्वेश्चन की एक लिस्ट हो, ठीक है, और उस क्वेश्चन को पूछ पूछ करके अगर डेटा फिल किया जाए तो उसे हम कहेंगे क्वेश्चन नेर मैथड. क्लियर? क्वेश्चन नेर मैथड क्या है? जब बहुत सारे क्वेश्चन की लिस्ट हो जो लॉजिकली अरेंज किए गए हों तो हम उसे कहेंगे क्वेश्चनर मेथड या फिर मेथड ऑफ क्वेश्चनर. लाइक सी द मीनिंग. मीनिंग अ क्वेश्चनर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, लॉजिकल ऑर्डर. ये क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर बाद देकर के समझाऊंगा. जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तब लॉजिकल वर्ड फिर से आएगा, उस टाइम मैं आपको समझाता हूँ कि ये लॉजिकल ऑर्डर में क्यों होना चाहिए. ओके, सो अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर और अदर टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट. ये जो लिखा है ना, और अदर टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स. प्रॉम्प्ट्स मतलब, प्रॉम्प्ट मतलब ये होता है कि जब कोई तुरंत काम होता है ना, ऐसे चुटकी बजाने से, तो उसे हम कहेंगे प्रॉम्प्ट्स. जैसे कि क्वेश्चन लाइक, आपने खाना खाया तो आंसर क्या होगा? हाँ या ना. ठीक है, तो नॉर्मली यस नो टाइप के क्वेश्चन जो है क्वेश्चनर में पूछे जाते हैं. सो लेट्स सी द मीनिंग अगेन. अ क्वेश्चनर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट. ओके, आप ये दिन में 3-4 बार रिपीट करना, ये लर्न हो जाएगा. रिपीट इट विद मी अगेन. अ क्वेश्चनर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट. ओके, अब क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं वो देख लेते हैं जरा. तो क्वेश्चनर दो मेथड के हैं. बाय पोस्ट, कि आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करो और बाय पोस्ट भेज दो जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर क्वेश्चन लेकर के खुद एक बंदा जाएगा, उस बंदे को हम कहते हैं एन्यूमरेटर. क्या कहते हैं? एन्यूमरेटर. सो क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर एंड क्वेश्चनर बाय पोस्ट, दीज आर द टू मेथड्स. लेकिन आज हम इस लेक्चर में मेथड्स नहीं देखने वाले. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर. ये मेथड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लिए जाएंगे. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले एक देख लेते हैं एग्जांपल, क्वेश्चनर होता कैसा है, उसके बाद चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ओके, तो ये आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चनर का फॉर्मेट है. मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. लाइक क्या लिखा हुआ है इसमें, ये देख लेते हैं पहले. जस्ट अ मिनट. ओके, या स्पेसिमैन, मैं हेडलाइन रीड कर रहा हूँ. अ स्पेसिमैन क्वेश्चनर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट हैबिट ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ गुजरात स्टेट. कि गुजरात स्टेट के जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी हैबिट के लिए, है कि उनकी कैसी हैबिट है, वो हैबिट को जानने के लिए ये क्वेश्चनर प्रिपेयर किया गया है. तो अब देखो कि क्वेश्चनर होता कैसा है. लाइक सबसे पहला कॉलम है नेम ऑफ स्टूडेंट. ये देखो, कुछ क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा वर्ड्स में होते हैं, बाकी नॉर्मली यस नो और बहुत ही शॉर्ट आंसर दिए जा सके वैसे क्वेश्चन को क्वेश्चनर में रखा जाता है. लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग भरत. ओके, सो भरत इज द नेम ऑफ स्टूडेंट.
Bharat Prajapati, let's say example. Okay, then sex, so sex is male or female, so male tick mark करना है यहाँ पर. प्लेस कि कौन से जगह पर रहते हैं वो जगह, लाइक से फॉर एग्जाम्पल सिटी लेना हो तो अहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट विल बी ऑल्सो अहमदाबाद एंड प्लेस विल बी सपोज निकोल. ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें हमने फिल की. आगे चलते हैं स्कूल. तो स्कूल जो है वो कैसी है, गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है. तो नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल. सो नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट प्राइवेट स्कूल. स्ट्रीम आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है कि अदर में है, तो कॉमर्स में है. मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश, गुजराती और अदर, तो इंग्लिश मीडियम में है. टाइम ऑफ स्कूल मॉर्निंग, आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो मॉर्निंग या फिर फ्रॉम 7:10 to 12:30, दैट इज़ द टाइमिंग ऑफ स्कूल. हाउ मच डू यू स्पेंड फॉर डेली स्कूल होमवर्क, कि डेली स्कूल होमवर्क में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो. तो इसमें आंसर होगा 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, जितना भी स्टडी करता हो कोई बंदा. लेट से फॉर एन एग्जाम्पल 2 hours. 2 hours से ज़्यादा के होमवर्क तो कभी नहीं दिए जाते. देन एवरेज टाइम स्पेंड डेली फॉर रीडिंग प्रिपरेशन, रीडिंग के लिए कितना टाइम स्पेंड करता है. तो नॉर्मली टिल आई थिंक रीडिंग के लिए बच्चे घर में जीरो, हाँ घर पे एक 1 hour भी एक्स्ट्रा नहीं निकालते, बस होमवर्क के लिए निकालते होंगे. मोड ऑफ एंटरटेनमेंट कैसे, स्पोर्ट्स, फिल्म और टीवी, म्यूजिक, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेम्बर. नहीं, यहाँ पे तो मेरे को लगता है आजकल जो जनरेशन है स्पोर्ट्स तो भूल ही जाओ, संडे को खेलने जाती है सिर्फ. हाँ म्यूजिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते. फैमिली और टीवी, आई थिंक यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था मोबाइल, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन मोबाइल. ओके, 11 नंबर, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर एंटरटेनमेंट, आप आखा दिन मोबाइल या टीवी कितना मंथरते रहते हो. तो ये टाइम आपको लिखना है 3 hours, 4 hours, 5 hours, वट एवर टाइम यू आर टेकिंग. एंड एवरेज आवर्स ऑफ डेली स्लीपिंग टाइम, आप रोज कितने घंटे सोते हो. नॉर्मली आइडल टाइम है मैक्स 8 hours. ओके, और आपका कोई भी टाइम हो सकता है. तो इस तरह से ये जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है. इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्वेश्चनर. ओके, तो नॉर्मली क्वेश्चनर में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो नॉर्मली क्वेश्चनर में कोई ऐसे लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 35 to 40 क्वेश्चंस होने चाहिए. ओके, सो नॉर्मली कहा कितना बने, 30 to 40 या 35 भी हो तो चलेगा, इतने क्वेश्चन होने चाहिए. अगर क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो क्वेश्चनर को 2-3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. तो चलो चलते हैं, ये था एक क्वेश्चनर का फॉर्मेट, ठीक है. और अब चलते हैं हम आइडियल क्वेश्चनर के कैरेक्टरिस्टिक, कि एक क्वेश्चनर बहुत अच्छा क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर, लेट्स सी. द फर्स्ट, लेंथ ऑफ क्वेश्चनर शुड बी प्रॉपर 1, ठीक है, कि क्वेश्चनर में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, दैट शुड बी प्रॉपर. अप्रोक्सीमेटली इट मस्ट बी 30 to 35 क्वेश्चन. अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो क्वेश्चनर को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा. द लैंग्वेज यूज शुड बी ईजी एंड सिंपल. देखो लैंग्वेज आपको जो आती है ना वो नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो लैंग्वेज सामने वाले को आती है, जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज होनी चाहिए. द टर्म यूज्ड आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, जो भी टर्म या कोई स्पेशल वर्ड अगर आपने यूज़ किया है तो वो जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देना है, उसे ना समझ में आए तो उसे बताना है. द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे एंड द क्वेश्चन शुड बी इन अ लॉजिकल मैनर. अब देखो प्रॉपर वे और लॉजिकल मैनर, ये मैंने कहा था कि लॉजिकल मैनर फिर से आएगा. तो चलो यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं, कि मान लो एक क्वेश्चनर है, ठीक है, और वो क्वेश्चनर जो है वो लॉजिकली अरेंज नहीं किया गया है. अब उस क्वेश्चनर में एक किसी फीमेल की इंफॉर्मेशन लेनी है. कोई व्यक्ति घर जाता है और घर जाने के बाद पूछता है कि मैम आपकी शादी हो गई है, वो कहता है मतलब वो लेडी कहती है नहीं, और उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, कितने बच्चे हैं आपके,
ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में क्या आंसर दिया गया, ना, है ना। और दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं आपके, बोलो क्या होगा। एक उड़ते हुए चप्पल मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उसके गाल पे पड़ेगी, यस और नो। बट इसी तरह से अगर क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में हो कि ऐसा हो कि कितने बच्चे हैं आपके और वो सामने से आंसर मिल जाए 2, 3, 4 जो भी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछता है मैम आपकी शादी हो गई, तो फिर उसको चप्पल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो लॉजिकली अरेंज्ड नहीं है, है ना, लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। एक्चुअली कैसा होना चाहिए, अगर कोई कहता है कि शादी नहीं हुई है तो वो क्वेश्चन स्किप कर देना है, फिर बच्चे वाला क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, नहीं तो इंडिया में तो पड़ेगी पड़ेगी बेटा। हाँ, अगला चलते हैं। द क्वेश्चन शुड बी इन एनालिटिकल फॉर्म। द क्वेश्चन एनालिटिकल फॉर्म में इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे हमें इंफॉर्मेशन लेने में ईजी रहता है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुड बी ब्रोकन इनटू फिल्टर क्वेश्चन, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी अर्निंग कितनी है, तो किसी की 17,534 हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हाउ मच अर्निंग डू यू हैव, अबोव 15,000 और बिलो 15,000, बस दो ऑप्शन दो, बात खत्म करो, ठीक है। तो क्वेश्चन शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। द क्वेश्चन शुड बी डिस्क्राइब्ड प्रिसाइसली एंड करेक्टली। क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना सिंपल होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बनाया तो वो हर जगह यूज किया जाए, ठीक है। जैसे आज से 20-30 साल पहले जो क्वेश्चनर थे, मेरे ख्याल से आज वो काम नहीं आएंगे क्योंकि उस टाइम पे तो टीवी भी नहीं था, हाँ, तो एंटरटेनमेंट के मीडियम्स नहीं थे। आज टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो हमें क्वेश्चनर चेंज करना पड़ेगा। द क्वेश्चनर शुड बी मूविंग अराउंड द थीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर। हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारा जो थीम या हमारा जो टाइटल है उसके उसके आसपास होने चाहिए, हमारे पर्पस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्लियर। द आंसर शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। आंसर छोटे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। दिस आंसर शुड बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होने चाहिए, छोटे से आंसर होंगे, जैसे खाना खाया हाँ या ना, स्कूल गए थे हाँ या ना, हाँ ऐसा, ट्यूशन जाते हो हाँ या ना। द आंसर शुड बी डायरेक्ट वन, आंसर जो है वो डायरेक्ट होने चाहिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता। द आंसर शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके रिलेवेंट होना चाहिए। द आंसर शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। यहाँ एक हाइपन आना चाहिए था, जस्ट सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, टू एवरीवन ऑफ रिस्पोंडेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी को समझ में आए, ऐसा होना चाहिए। सो दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चन। तो आपका आज का क्वेश्चन क्या है, आपका आज का क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनर, ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर आपको लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। सो होपफुली आज का ये जो लेक्चर है आप इंजॉय किए होंगे। सो बाय, थैंक यू फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।